Assalamu alaikum. In this video, we are going to be discussing about BRICS versus the West. And we will also talk about the recent 15th BRICS summit. So, sabse pehle, we know ke in the world of geopolitics and economics, there has always been a power struggle and formation of new alliances. And currently, jo ek worth noting battle hai, that is between the BRICS nations and the Western world. If we try to understand what exactly is BRICS, so BRICS is an acronym representing five major economies, jisme hamare paas countries hain Brazil, Russia, India, China and South Africa. To ye tamam nations ikhatti hui hain to form this powerful bloc, jiska एम है एक मल्टीपोलर वर्ल्ड क्रिएट करना, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रोमोट करना और वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस या यूएस लेड इंस्टीट्यूशंस इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन से अपनी डिपेंडेंस को कम करना, मिनिमाइज करना, जैसा कि टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस लाइक द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक. सो यही वजह है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में इसको एज अ चैलेंजर देखा जाता है, बिकॉज दे परसीव इट एज चैलेंजिंग द डोमिनेंस ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, स्पेशली द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप. और करंटली इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गई है इस ब्लॉक की, बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट्स टूवर्ड्स डी डॉलराइजेशन. और रिसेंटली 41 कंट्रीज हैं जिन्होंने ये एक्सप्रेस किया है इंटरेस्ट के दे वॉन्ट टू बी द मेम्बर्स ऑफ ब्रिक्स ब्लॉक, क्योंकि अपेरेंटली जो ब्रिक्स नेशंस हैं उनका एम है टू स्टेबलाइज देयर ओन इकोनॉमीज़, दे वांट टू स्ट्रेंथन देयर ओन करेंसीज, दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द यूएस डॉलर बाय अ गोल्ड बैक्ड ब्रिक्स करेंसी. ऑलराइट, सो एज पर देम दे वांट टू अचीव दी सस्टेनेबल इकोनॉमिक डिवेलपमेंट, जबकि वेस्ट समझता है कि इट इज़ एन एंटी वेस्ट ब्लॉक और द एंटी यूरोपियन यूनियन अलायंस. इसके अलावा ब्रिक्स ऑल्सो एम्स टू सपोर्ट द वीकर नेशंस एंड ब्रिक्स वॉन्ट्स टू ब्रिंग टूगैदर द नेशंस फ्रॉम द ग्लोबल साउथ. एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट द रीसेंट 15th ब्रिक्स समिट दैट वॉज हेल्ड इन जोहानिसबर्ग इन साउथ अफ्रीका, और ये कंटिन्यूड थी फ्रॉम 22nd ऑफ अगस्त टू 24th, यानी कि ये तीन दिन ये समिट चला था. And this year, the theme of the summit was BRICS and Africa, partnership for mutually accelerated growth, sustainable development and inclusive multilateralism. So, ye jo theme hai reflect karta hai BRICS ki core values ko, and also reflects the objectives of the BRICS nations. So, is par jo focus tha, that was the African continent, jo ki theme se hi zahir hai. कि इट वॉज फोकस्ड ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ कोलेबरेशन बिटवीन ब्रिक्स नेशंस एंड द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, जिसमें एम्फसाइज किया गया की पॉइंट्स पर, जैसा कि म्यूचुअल ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी एंड इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म. सो बियॉन्ड इट्स थीम, जो समिट का दूसरा क्लियर ऑब्जेक्टिव था, दैट वॉज द सेंट्रल गोल टू मेक क्रूशल डिसीजन दैट वुड शेप द फ्यूचर डायरेक्शंस ऑफ द ग्रुप, यानी कि इसमें बात की गई ऑन द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स ब्लॉक. सो इससे पहले काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने जो कि इंटरेस्टेड हैं ब्रिक्स ज्वाइन करने में, जिसमें सऊदी अरेबिया, ईरान, इंडोनेशिया, इजिप्ट, अर्जेंटीना और इसके अलावा काफ़ी और भी कंट्रीज़ थे जिन्होंने एक्सप्रेस किया इंटरेस्ट के दे वॉन्ट टू ज्वाइन दिस इन्फ्लुएंशियल ब्लॉक ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज़. ऑलराइट, लेकिन इस साल फाइनली 6 मेंबर्स को एडमिट कर लिया गया है, एंड देयर मेंबरशिप विल टेक इफेक्ट फ्रॉम 1st of January 2024. सो इसकी इस एक्सपेंशन की सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, एज इट वुड नॉट ओनली प्रोमोट द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स, बट विड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द लेवलिंग ऑफ द ग्लोबल प्लेइंग फील्ड, which many believe is biased against the developing nations.
यानी कि वो तमाम ही कंट्रीज़ के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना चाहते हैं जहां दुनिया के तमाम ममालिक का इक्वल से हो, जहां सिर्फ चंद कंट्रीज़ डोमिनेटेड ना हो और जहां वीकर कंट्रीज़ की एक्सप्लॉयटेशन ना की जाए। ऑलराइट, सो इस ब्रिक्स समिट में जो नेशंस हैं उनका एक शेयर्ड विजन था फॉर एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म। सो इसमें अगर हम बात करें कि क्यों इन कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इन ज्वाइनिंग ब्रिक्स, द फैक्ट दैट कंट्रीज़ फ्रॉम मिडल ईस्ट, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका आर लुकिंग टू बिकम ब्रिक्स मेंबर्स शोज हाउ इम्पॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल दिस ग्रुप इज़। बट व्हाट्स द ड्राइविंग फैक्टर बिहाइंड दिस? सो इट्स बेसिकली द इमेंस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड बेनिफिट्स दैट ब्रिक्स मेंबरशिप ऑफर्स। क्योंकि हम जानते हैं कि जो ब्रिक्स नेशंस हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं तकरीबन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड ऑल्सो दे रिप्रेजेंट अबाउट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स इकॉनमी, अकाउंटिंग फॉर रफली 1/3 ऑफ ग्लोबल GDP। तो इस ब्लॉक का मेंबर बनने का मकसद ये है कि आप पर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक कोऑपरेशन की इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुल जाएंगे। और इसके अलावा जो इसका ब्रिक्स थीम था, दैट इज़ पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, वो रिफ्लेक्ट करता है कि हाउ दीज नेशंस आर कमिटेड टू द पॉइंट ऑफ शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, सो न्यू मेंबर्स कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू एंड बेनिफिट फ्रॉम दिस शेयर्ड विजन ऑफ कलेक्टिव ग्रोथ। सो द आइडिया इज़ के द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड द पोटेंशियल फॉर म्यूचुअल ग्रोथ आर ड्राइविंग फैक्टर्स बिहाइंड दिस एक्सपेंडिंग अलायंस। एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट साउथ अफ्रीकाज जर्नी एज अ ब्रिक्स मेंबर, तो वी नो के इनिशियली जब ये ब्रिक ब्लॉक बना था तो इट वाज स्टार्टेड एज अ ब्रिक, यानी कि साउथ अफ्रीका वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। 2010 में उसको इनवाइट किया गया था टू बी अ ब्रिक मेंबर, एंड लेटर ऑन इन 2010 साउथ अफ्रीका ने ऑफिशियली इस इनविटेशन को कबूल किया और ब्रिक मेंबरशिप को एक्सेप्ट किया एंड इट बिकेम अ मेंबर ऑफ दिस ब्लॉक, मेकिंग इट एज ब्रिक्स। और तब से साउथ अफ्रीका इसका एक एक्टिव पार्टिसिपेंट रहा है। और इसका फ़ायदा साउथ अफ्रीका को ये हुआ है, सबसे बड़ा फ़ायदा, कि जो अफ्रीका की साउथ अफ्रीका की जो ट्रेड है उसमें एक्सपोनेंशियल इंक्रीज नज़र आया है, स्पेशली विद चाइना। और चाइना हम जानते हैं कि इज़ द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी एंड इट हैज़ इमर्ज एज अ पिवटल ट्रेडिंग पार्टनर फॉर साउथ अफ्रीका। सो साउथ अफ्रीका की इस ट्रेड में जो एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज आया है, दैट्स बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट्स दैट कम विद ब्रिक्स मेंबरशिप। क्योंकि जैसा कि पहले हमने मेंशन किया कि जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उनका बहुत एक बड़ा शेयर है इन द ग्लोबल GDP। ठीक है, तो यही वजह है कि इट प्रोवाइड्स इट्स मेंबर्स विद एक्सटेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अपॉर्चुनिटीज एंड इट आल्सो ओपन्स फॉर देम द डोर्स ऑफ न्यू मार्केट्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेड एग्रीमेंट्स। एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट इट्स ग्लोबल इम्पैक्ट्स, तो इन इमर्जिंग इकोनॉमीज को देखते हुए वी कैन से कि दीज कंट्रीज़ कैन बिकम दी इकोनॉमिक पावर हाउसेज ऑफ़ द वर्ल्ड। वैसे भी जो हमारी एक रीसेंट IMF की रिपोर्ट शाया हुई है, पब्लिश हुई है, उसके मुताबिक ये रिपोर्ट किया गया है कि इस रीजन में करंटली बहुत ज़्यादा एक ग्रोथ देखी जा रही है एंड दैट इज़ बीइंग सीन इन मेनली टू कंट्रीज़ जिसमें चाइना और इंडिया शामिल हैं। ठीक है, तो ये एक प्रॉस्पेक्ट ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस रीजन में दो मेजर पावर हाउसेस ऑफ इकॉनमी इमर्ज हो सकते हैं, इंक्लूडिंग चाइना एंड इंडिया। सो फ्यूचर में जो भी इस प्लेटफॉर्म पर, ब्रिक्स पर
के डिसीजंस आते हैं या कोई भी कोलैबोरेशंस होती हैं तो दोज विल हैव फार रीचिंग इम्प्लिकेशंस फॉर दी वर्ल्ड, क्योंकि इस ब्लॉक के पास वो पोटेंशियल मौजूद है टू शेप द ग्लोबल लैंडस्केप एंड प्रोमोट कोऑपरेशन एंड टुगेदर दे आर स्ट्राइविंग फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। और यहाँ पर अगर हम पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात करें इन ज्वाइनिंग ब्रिक्स, तो ऑब्वियसली पास में पाकिस्तान ने भी ये एक एक्सप्रेस किया है इंटरेस्ट कि वो ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है, एंड उसको चाइना ने काफ़ी सपोर्ट किया है और इंडिया ने बहुत रेजिस्ट किया है। लेकिन जो मेजर हमारा ऑब्स्टिकल है इन द पाथ ऑफ ब्रिक्स मेंबरशिप, दैट इज़ आर इंडिजिनस प्रॉब्लम्स, जैसा कि हमारी वर्सनिंग इकोनमी। क्योंकि ब्रिक्स मेंबर बनने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आपकी इकोनमी ग्रोइंग हो, आपकी इकोनमी स्टेबल हो। ऑलराइट, सो क्योंकि हमारी इकोनमी स्टेबल नहीं है एंड देयर इज़ टू मच अनसर्टेनिटी अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन एंड द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, तो ये एक मेजर हमारा ब्लॉक है इन गेटिंग द ब्रिक्स मेंबरशिप। इसके अलावा इंडिया भी इज़ क्वाइट रेजिस्टेंट व्हेन इट कम्स टू द एडिशन ऑफ न्यू मेंबर्स टू द ब्लॉक। लेकिन अगर हम अपने इन मसाइल को सॉल्व कर लेते हैं, अपनी इकोनॉमी को बेहतरी की जानिब ले जाते हैं, तो इन दैट केस ये हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होगा, क्योंकि ब्रिक्स नेशंस के लिए पाकिस्तान को एक्सेप्ट करने में बहुत फ़ायदा होगा। वी नो के पाकिस्तान एक बहुत ही स्ट्रेटजिक लोकेशन पे लाया करता है, जिसके थ्रू वो एक तरह से सेंटर है इन बिटवीन दी मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया एंड इन साउथ एशिया। तो वो एक तरह से कनेक्ट करता है विद रशिया, विद चाइना एंड विद इंडिया, एंड उसके पास जो सी पैक के थ्रू कंस्ट्रक्शन चल रही है ग्वादर पोर्ट पे, उसके थ्रू इट कुड बिकम अ ट्रेड ट्रांजिट इन फ्यूचर। ठीक है, तो ओवरऑल ये तमाम नेशंस के लिए, ब्रिक्स नेशंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंट्री साबित हो सकता है इफ़ पाकिस्तान बिकम्स अ ब्रिक्स मेंबर। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसाइल को हल करे, क्योंकि तभी वो एलिजिबल हो पाएगा फॉर दी ब्रिक्स मेंबरशिप। सो अब अगर हम इसकी ब्लॉक की रीसेंट एक्सपेंशन की बात करें, तो अभी इसमें 6 मेंबर्स को एडमिट किया गया है। उन 6 कंट्रीज़ में शामिल हैं सऊदी अरेबिया, ईरान, इथियोपिया, इजिप्ट, अर्जेंटीना एंड यूएई। ऑलराइट, एंड दिस इज़ कंसीडर्ड एज अ हिस्टोरिक स्टेप, क्योंकि दिस हैज़ द पोटेंशियल टू शेप व्हाट मैनी सी एज आउटडेटेड ग्लोबल ऑर्डर। ठीक है, सो ये भी कहा जा सकता है कि दिस एक्सपेंशन पेव्स द वे फॉर पोटेंशियल फ्यूचर इनलार्जमेंट्स ऑफ द ब्लॉक। सो इन ब्रिक्स नेशंस की इस अप्रोच के पीछे जो आइडिया है, दैट इज़ टू रिप्रेजेंट अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ नेशंस, स्पेशली फ्रॉम ग्लोबल साउथ। एंड नाउ इफ वी लुक एट द पोटेंशियल टेंशंस दैट कुड इमर्ज विद इन दिस डाइवर्स ग्रुप, तो ऑब्वियसली जो भी नेशंस हैं उनके जहाँ पर एरियाज ऑफ कॉपरेशन हैं, वहाँ पर उनके बीच एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी हैं। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा इस ग्रुप में डाइवर्सिटी होगी, उतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट्स भी होंगे। क्योंकि ऑलरेडी इस ग्रुप में अगर हम देखें, तो एक हमारे साइड पे आता है ईस्टर्न ब्लॉक, जो कि इंक्लूड करता है चाइना, रशिया, ईरान, इस साइड की कंट्रीज़। ठीक है, और दूसरी तरफ है वेस्टर्न ब्लॉक को सपोर्ट करने वाले कंट्रीज़ जैसा कि इंडिया। हम ये जानते हैं कि इंडिया की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अलायंस है विद दी वेस्टर्न नेशंस एंड दी यूनाइटेड नेशंस एंड दी यूनाइटेड स्टेट्स। सो यही वजह है कि जो कंट्रीज़ हैं लाइक चाइना एंड रशिया, उनका एम ये भी है कि वो ब्रिक्स को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं एज अ काउंटर वेट टू द वेस्ट, बिकॉज दे सीक टू रीशेप द ग्लोबल ऑर्डर,
जबकि दूसरी साइड पे हम इंडिया जैसे मेंबर्स को देखते हैं तो दे मेंटेन क्लोज टाइज विद यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप. सो दिस इज़ एक्चुअली क्रिएटिंग अ डायनेमिक वेयर डाइवर्स इंटरेस्ट्स आर कोलाइडिंग. ठीक है, वेयर दीज द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिक्स नेशंस आर कोलाइडिंग. तो ये एक तरह की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट करता है एंड एक चैलेंज हो सकता है ब्रिक्स नेशंस के लिए इन फ्यूचर. सो इट इज़ येट टू सी हाउ दीज कंट्रीज बैलेंस देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट्स विद इन अ कलेक्टिव फ्रेमवर्क. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द विजन ऑफ ब्रिक्स ब्लॉक, तो ऑब्वियसली इट्स वेरी क्लियर कि इट हैज़ अ यूनिक विजन इन अ सेंस के अनलाइक मैनी अदर ग्लोबल अलायंसेस, जो ब्रिक्स का एम है दैट इज़ टू इस्टेब्लिश अ मल्टीलैटरल फोरम दैट विल बी फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक्स डिवेलपमेंट कॉपरेशन रादर देन रियल पॉलिटिक. दिस इज़ द रीज़न के जो ब्रिक्स मेंबर्स हैं दोज आर वर्किंग टुगेदर एंड मेकिंग एफर्ट्स ताकि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए जो कि फॉस्टर करे इकोनॉमिक ग्रोथ डिवेलपमेंट एंड कोलैबोरेशन अमंग इट्स नेशंस. सो वी कैन से कि एक तरह से इट्स मूविंग अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल पॉलिटिकल अलायंस सिस्टम एंड इसका जो मेन फोकस है दैट इज़ टू मेक वर्ल्ड मोर प्रोग्रेसिव एंड लेस अबाउट पावर गेम्स. ऑल राइट, सो इस विजन के हवाले से अगर हम इन कंट्रीज़ इन नेशंस के ख़यालात को देखें तो जो चाइनीज़ एम्बेसडर हैं उन्होंने ब्रीफिंग देते हुए ये कहा कि द ट्रेडिशनल ग्लोबल गवर्निंग सिस्टम हैज़ बिकम डिसफंक्शनल डेफिशिएंट एंड मिसिंग इन एक्शन. और मज़ीद ही सैड के ब्रिक्स आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग स्टॉन्च फोर्स इन डिफेंडिंग इंटरनेशनल जस्टिस. इसके अलावा जो साउथ अफ्रीका के एम्बेसडर हैं फॉर एशिया अनिल सुकलाल, ही सैड के वन ऑफ द रीजंस कंट्रीज आर लाइनिंग अप टू ज्वाइन ब्रिक्स इज द वेरी पोलराइज्ड वर्ल्ड वी लिव इन दैट हैज़ बीन फर्दर पोलराइज्ड बाय द रशिया यूक्रेन क्राइसिस एंड वेयर कंट्रीज आर बीइंग फोर्स्ड टू टेक साइड्स एंड कंट्रीज इन साउथ डोंट वांट टू बी टोल्ड who to support, how to behave and how to conduct their sovereign affairs. They are strong enough now to assert their respective positions. That's what he said about the situation right now. And now we will talk about the common currency idea of the BRICS nations. We know that BRICS always come up with innovative ideas. And common currency idea is one of them. So ये idea देने का आगे रखने का मकसद ये है कि this will promote a deeper level of economic integration and cooperation among the BRICS nations. All right? It will strengthen the economies and currencies of these BRICS countries. And it will make these countries independent of the US dollar. When it comes to the trade settlements among them. So this idea is meant to reshape the global financial dynamics. This is the reason ke these countries are pursuing the de-dollarization. Theek hai, uske liye wo SC agreements kar rahe hain, bilateral agreements aur trade settlements kar rahe hain jinke tahat in mamalik ke beech inki local currencies mein ट्रेड सेटलमेंट्स की जाएंगी. और राइट, जैसा कि यूएई और इंडिया के बीच में ये एग्रीमेंट हो चुका है और रशिया और चाइना के बीच में भी ये एग्रीमेंट हो चुका है जिनके तहत उनकी लोकल करेंसीज में ही आपस में ट्रेड की जाएगी. और राइट, और डॉलर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. सो अगर हम ये देखें कि वाई कंट्रीज वॉन्ट टू परस्यू डी डॉलराइजेशन, तो इट्स वेरी क्लियर कि ब्रिक्स नेशंस बेनिफिट फ्रॉम अ वीक डॉलर. और जब इंटरनेशनल लेवल पे ये मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज डॉलर का इस्तेमाल कम कर देंगी तो उससे क्या होगा, डॉलर वीक हो जाएगा. ठीक है, सो दीज ब्रिक्स नेशंस हैव अ लॉट टू गेन फ्रॉम अ वीक डॉलर बिकॉज इट विल मेक इट ईजियर फॉर देम
to repay their debts owed to the international organizations such as World Bank or IMF. ये एक इसका मेजर इम्पैक्ट देखने को नज़र आएगा एज अ रिज़ल्ट ऑफ द इंक्रीजिंग डी डॉलराइजेशन एफर्ट्स. ऑल्सो दिस विल रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ दीज कंट्रीज़ फॉर डिवेलपमेंट ऑन द IMF एंड अदर US एंड वेस्ट लेड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. सो इफ दे डिवेलप अ कॉमन करेंसी तो उससे ये फ़ायदा होगा कि दे विल take loans from their own bank, which is called the New Development Bank or the BRICS Bank. Then they will not have to depend on the US dollar. इसके अलावा ये तमाम nations ये believe करती हैं कि जो dominant countries हैं इस world order में, those countries have failed to maintain peace and stability in the world. They have failed to end the Russia-Ukraine war. So in this context, BRICS recognizes that peace is the cornerstone of development. So one of the summit's focal points is prioritizing peace, including efforts to resolve conflicts like Russia-Ukraine war. Another key aspect is promoting investment in developing countries. क्योंकि BRICS का ये aim है कि वो weaker countries को support करे, उनकी economies को uplift करे and एक equitable and prosperous world बनाए. क्योंकि prosperity से ही दुनिया में peace और stability कायम की जा सकती है. So the idea is कि BRICS is committed to addressing global disputes without bias, striving for fairness and justice on the international stage. Now to conclude this whole discussion, the BRICS summit held in Johannesburg, South Africa, marked a significant moment in global geopolitics. And this year's theme was BRICS and Africa, partnership for mutually accelerated growth, sustainable development and inclusive multilateralism. All right, so this theme underscored group's commitment to fostering unity, cooperation and economic growth among emerging nations. So jo kuch key developments hain usme included hai the expansion of BRICS with inclusion of countries like Saudi Arabia, Iran, Ethiopia, Egypt, Argentina and UAE. So now there is inclusion of the major oil producing countries in the BRICS bloc. All right, so this expansion reflects a concerted effort to reshape the existing global order, offering economic strength and influence to the global south, which has been neglected for long and which has been exploited by the west. So all these developments highlight the fact that the BRICS vision goes beyond the traditional politics, because it's more focused on economics, development and cooperation and collaboration among the nations, which aims to create a more equitable and inclusive world order. Also there was the proposal of a common currency within the BRICS, which demonstrates the commitment of these nations to reshape the global financial systems. In the summit, the Chinese ambassador criticized the traditional global governing system. All right, so he emphasized the need for a new world order. A world order that empowers the international organizations and encourages participation from the underdeveloped regions, which promotes fairness and justice for all. Other than that, BRICS also emphasized on the importance of peace for development. So peace and development were the core priorities reflected, which shows how dedicated these nations are in resolving conflicts and promoting investment in developing countries and striving for a better world for all. तो इस तमाम डिस्कशन से हम ये कह सकते हैं कि ये जो एक गैदरिंग है इट शोकेस्ड कि नाउ देयर इज़ एन इवॉल्विंग लैंडस्केप ऑफ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी.
And this also points towards a future where global South plays a more influential role in shaping the world's trajectory. All right. So now let's end this discussion here. If you found this helpful, so please like, share, comment, and subscribe to my channel. Thank you so much. Take care. Bye-bye.